स्वच्छता के प्रति जो आग्रह था उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने उनकी बातों का कितना अनुसरण किया इसकी सच्चाई भी आप जानते हैं। साथियों, स्थिति यह है कि अब कांग्रेस वर्षों से साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, वर्षों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है ये बात कहकर के आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे, मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। आपको पता नहीं है, गांव में माताओं बहनों को अगर शौचालय की जरूरत हो, शौच जाना हो, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उनको जंगलों में जाना पड़ता था, और दिन भर तकलीफ हुई तो सहना पड़ता था, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरा होने के बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे। ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है, और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। क्या ये गांधी जी और विनोबा जी, बाबा आमटे जी और वर्धा के संदेश, इन महापुरुषों ने जो संदेश दिया, क्या ये कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम का, श्रम का अपमान करने वाले ऐसे जातिवादी लोगों का जवाब इस चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को कड़ी सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, विदर्भ की इस धरती पर आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके इसी आशीर्वाद ने अच्छे अच्छों के हौसले पस्त कर दिए हैं। साथियों, ये हमारे शरद राव, शरद पवार, ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं, और उनके विषय में कहा जाता है कि वो कोई भी काम बिना सोचे विचारे कभी नहीं करते हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं
कि हवा का रुख किस तरफ है। इस बार देश की जनता ने अच्छे अच्छों को मैदान छोड़ करके भगाया है, मतदान के पहले ही भगा दिया है। खैर, शरद राव की उनकी एक समस्या ये भी है कि एनसीपी में इस समय बहुत बड़ा पारिवारिक युद्ध चल रहा है। पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है और स्थिति ये है कि पवार साहब के भतीजे धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा करने के लिए सोगटी बिछा रहे हैं। इसी वजह से एनसीपी को टिकट बंटवारे में भी दिक्कत आ रही है। पवार परिवार के लोग इसी बात पर माथा पच्ची कर रहे हैं कि कौन सी सीटों से लड़े और कहां छोड़ दें। इस वजह से दूसरों का धैर्य भी समाप्त हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण जैसा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो छह छह महीने के लिए सोते हैं। छह महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। पैसे की ये भूख मिटाने के लिए सिंचाई, स्टैंप, रियल एस्टेट, सड़क परियोजना, सरकारी टेंडर, जहां से बन पड़ता है, जैसे बन पड़ता है, करोड़ों अरबों रुपये होता है कि नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि नहीं हुआ है। मत भूलिए, जब महाराष्ट्र का किसान अजीत पवार से बांधों में पानी के बारे में सवाल करने गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला था, याद है ना? याद है ना क्या कहा था? यहां से मैं दोहरा सकता हूं? कोई फिर से बोल भी सकता है ऐसी भाषा? मत भूलिए, जब मावल के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो पवार परिवार ने उन पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। साथियों, खुद एक किसान होने के बावजूद शरद पवार किसानों को भूल गए, उनकी चिंताओं को भूल गए। उनके कार्यकाल में ही कितने ही किसानों को खुद से खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पवार साहब ने कोई परवाह नहीं की। उनका ध्यान किसानों की स्थिति पर ही नहीं था, अब आज पवार साहब को लोगों ने ही बोल्ड कर दिया है। उनके झूठ, उनके झूठे वायदों की पोल खुल चुकी है और वो खुद भतीजे के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार द्वारा वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाने की वजह से ज्यादातर एनसीपी नेताओं को रिटायर्ड करने की कोशिश हो रही है ताकि उनका आसन साफ हो जाए। साथियों, अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र ऐसे विकास विरोधी, जनता विरोधी लोगों को पूरी तरह खारिज करे। भाई और बहनों, आपका ये चौकीदार पूरी ईमानदारी से दिन रात आपकी मुश्किलों को कम करने में जुटा है। कपास, सोयाबीन, तूर सहित अनेक फसलों का समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना बढ़ाने का काम भी इसी चौकीदार ने किया है। इतना ही नहीं, वन उपज के एमएसपी में
काफी बढ़ोतरी की है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत महाराष्ट्र के लगभग 1.25 करोड़ किसानों के बैंक खाते में हजारों रुपये जमा किए जा चुके हैं। ये पैसा खेती से जुड़ी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। भाइयों और बहनों, जिन्होंने 70 साल तक गरीब को गरीब बनाए रखा, वो कभी गरीब का भला नहीं सोच सकते। ये वो लोग हैं जो गरीब के नाम पर योजना लाकर उस योजना के पैसे से अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। यही काम इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किया, आपके पानी के साथ किया, आपकी सिंचाई परियोजनाओं के साथ किया। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर यहां के किसानों को लूटा है। इसी का नतीजा है कि दर्जनों सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटकी रही। इन योजनाओं को पूरा करने का बीड़ा आपके इस प्रधान सेवक ने उठाया है। महाराष्ट्र और देश के अनेक हिस्सों में सूखे की समस्या से निपटने के लिए ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत लंबे समय से लटकी 99 सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया गया, जिसमें से 26 परियोजनाएं सिर्फ महाराष्ट्र की है। आप सोचिए, देश में जो मैंने खोज के निकाला उसमें 25% महाराष्ट्र की, जबकि महाराष्ट्र के ही कृषि मंत्री बनकर के 10 साल दिल्ली में बैठे थे शरद पवार। यहां लोअर वर्धा सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह वर्धा में जलयुक्त शिवार अभियान, सैकड़ों गांवों को लाभ होना तय हुआ है। साथियों, हम बहुत ईमानदारी से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम बाकी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपकी दिक्कतें और कम हो। साथियों, विदर्भ का सूखा मौसम के साथ ही कांग्रेस के 70 साल के करप्शन की भी देन है।